बिहार के लखीसराय में एक बार फिर से अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। नगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर देर शाम अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। अपराधी गोली मारकर घटनास्थल से आसानी से फरार हो गया। हत्या की इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान बबनगवा निवासी स्वर्गीय अभय सिंह के पुत्र सुधांशु कुमार उर्फ फिन्नू सरदार एवं दूसरे की पहचान वालीपुर निवासी बिहारी सिंह के रूप में की गई है। आसपास की लोगों की माने तो अपराधियों द्वारा करीब 6 से 7 राउंड गोली चलाया गया। जिले के SP सुशील कुमार एवं SDPO रंजन कुमार घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यहां मौजूद सभी साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे से घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी। जिले के पुलिस कप्तान ने बताया कि इसकी जाँच हेतु SDPO के नेतृत्व में हालांकि अभी तक घटना की वास्तविक वजह क्या है सामने नहीं आ रही है। मृतक फिन्नू कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जाता है कि जेल से छूटने के बाद फिन्नू आम आदमी की तरह जीवन बिता रहा था। उसी का फायदा अपराधियों ने उठाया और पूर्व से उसके गतिविधि की रेखी कर घात लाकर उसकी एवं उसके साथी बिहारी की हत्या कर दी। लखीसराय से सनोवर खान की रिपोर्ट। थाना में हाजिरी लगाने के लिए पहले बोला गया था और इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। बताने वाला जो आसपास के साक्षी बता रहे कि गोली की आवाज हुई और कुछ लोग पैदल इसी गली में भागे, तो जहाँ जहाँ CCTV है हम लोग उसका अवलोकन कर रहे हैं और इनसे जिसकी जिसकी दुश्मनी निकलेगी उस पर कार्रवाई। घटना से सर खोखा भी बरामद हुआ? हाँ, खोखा में 3 खोखा भी मिला है और चूँकि अंधेरा है और हम लोग बढ़िया से सर्च कर रहे हैं, वहाँ ब्लड है, एक मोबाइल भी गिरा हुआ है और बाकी हम लोग उसी के आधार पर कर रहे हैं। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ पता चल? ये आपसी रंजिश, चूँकि मृतक भी आपराधिक इतिहास वाले हैं और इसके पीछे स्वाभाविक है कि आपसी रंजिश ही है, उसी के कारण। थैंक यू सर, धन्यवाद। गोली मारकर हत्या की गई, उस पर विभिन्न एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी मैं घटनास्थल पर भी गया था, सारी तरह के साइंटिफिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हम लोग गैदर कर रहे हैं। सारे एंगल से जांच की जा रही है। मैंने एक टीम भी स्पेशल SDPO के नेतृत्व में बना दी है। मैं भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और जल्दी से जल्दी जो भी है अपराधी जिन्होंने मारा है उसकी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। घटनास्थल से क्या कुछ मिला है सर? घटनास्थल से खोखा मिला है गोली का, और जो मृतक जिस पे बाइक पे था वो था, और यही दो चीज़ मिली है, बाकी उसके अलावा तो